में बात करेंगे मेडिको रेवेडीज लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें कंपनी का स्टॉक प्राइस, कंपनी का स्टॉक 81.80 पर ट्रेड करा। आज के ट्रेडिंग सेशन में 2.09% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। पिछले एक महीने की अगर बात करें तो कंपनी ने पिछले एक महीने में 5.43 की यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिली है। पिछले एक साल को अगर देखें तो कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर 238% के रिटर्न दिए हैं। कंपनी को लेकर अपडेट आई है, कंपनी के जो Q4 है उसके नंबर्स आ गए हैं, उसके साथ फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो नंबर है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें कंपनी के नंबर्स की, क्वार्टर थ्री की तुलना में अगर क्वार्टर फोर को देखें तो क्वार्टर फोर में 39 करोड़ से कंपनी का जो टोटल इनकम है 28 करोड़, 29% की कमी। नेट प्रॉफिट 2.2 करोड़ से कम होकर 1.7 करोड़, 21% की कमी। अर्निंग पर शेयर 0.27 से कम होकर 0.21 आपको देखने को मिल रहा है, 22% की कमी यहाँ भी आपको देखने को मिली है। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर फोर की, तो वहाँ पर कंपनी जो टोटल इनकम थी 33 करोड़ थी वो 28 करोड़, 15% की कमी। नेट प्रॉफिट 1.8 करोड़ से 1.7 करोड़, 6% की कमी। अर्निंग पर शेयर 0.23 से कम होकर 0.21, 8% की कमी यहाँ भी आपको देखने को मिली है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 को कंपेयर करें तो 2022 के अंदर 123 करोड़ की इनकम थी, जो 144 करोड़ हो गई, 17% जम। नेट प्रॉफिट 4 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़, 50% जम। अर्निंग पर शेयर 0.58 से बढ़कर 0.87, 50% जम यहाँ भी आपको देखने को मिला। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात, प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग को देखें तो यहाँ पर कोई भी आपको चेंज दिसंबर और मार्च क्वार्टर के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। 73.34 की होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। FIIs की देखें तो मार्च 2023 के अंदर इस क्वार्टर में FIIs ने यहाँ पर अपने को स्टेक यहाँ पर 0.53 का आपको देखने को मिल रहा है। DIIs का यहाँ पर कोई भी स्टेक देखने को नहीं मिल रहा है। पब्लिक की अगर बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग 26.66 से कम होकर 26.15 आपको देखें, यानी हल्की सी कमी आपको पब्लिक की होल्डिंग में देखने को मिली। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा।